हेलो गाइस, तो कैसे हो सारे भाई लोग। तो गाइस आज के वीडियो पीसी के सेटिंग्स के ऊपर है, बिकॉज काफ़ी सारे पीसी प्लेयर्स मुझे कमेंट कर रहे थे एंड ऐसे दोस्त है काफ़ी सारे जो लोग बोल रहे थे कि हमें पीसी का सेटिंग्स बता दो जिससे हम हेड मार सकते हैं एंड रिक्वेल कम कर सकते हैं। बिकॉज हम लोग न्यू न्यू पीसी पे स्टार्ट किए हैं तो हमको कुछ नहीं आता पीसी का। तो अगर आप एक न्यू पीसी प्लेयर हो या फिर आपका अगर एक दोस्त न्यू पीसी प्लेयर है तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करना, उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इस वीडियो में तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस वीडियो पर अगर आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हो शेयर करके तो पीसी के सेटिंग्स के ऊपर भी वीडियोज आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे पीसी के ऑडियंस अगर सपोर्ट दिखाते हैं इस वीडियो पर तो हम पीसी के सेटिंग्स के ऊपर भी वीडियो लाएंगे गाइज। क्योंकि मेरे गिल में आपको पता है आयुष, दिलबर, बॉब, मैडेक्स, फिर अजाकी, वॉरियर, इतने सारे प्लेयर्स हैं ना, पीएस, एल मेटाडोर, बहुत सारे प्लेयर्स है गाइज, सब जो है पीसी पे खेलता है, सब खतरनाक खेलता है गाइज, आपको भी पता है। हम लोग गाइज आपको भी दे सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इनका सेंस भी हम लोग बता सकते हैं आपको, क्या क्या करने से क्या मतलब किस में इफेक्ट पड़ता है, कैसे हेड लग सकता है, ठीक है। तो आपको अगर चाहिए तो इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना, बाकी पीसी का वीडियोस आते रहेंगे अगर सपोर्ट दिखाओगे तो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ब्लूस्टैक इंस्टॉल कर लेना है, कौन सा वर्सन एंड ये बीएस ट्विकर, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ले लेना, ठीक है। उधर से तो सबसे पहले ब्लूस्टैक को खोल लेना है। देखो ये वाला वर्सन है 4.240/30.1002, ये वाला वर्सन सबसे फेमस वर्सन है, सबसे बेस्ट वर्सन है, ओके। तो इस वर्सन को इंस्टॉल कर लेना, ओके। देन आपको सेटिंग में आना है, यहाँ पे अभी कुछ छेड़ना नहीं है, इसको बी एस ट्विकर के अंदर हम चेंज करेंगे। तो अभी इंजन में जाते हैं, तो अब देखो गाइस ये दो चीज़ को, ये दो चीज़ जैसा है वैसा रहने देना। जीपीयू सेटिंग इसको टिक करना है, अगर आपका अनटिक मतलब अनटिक है तो टिक करना है, टिक नहीं होगा बिकॉज एनवीडिया का लेटेस्ट जो ड्राइवर आते हैं उनमें नहीं होता है। तो देखो गाइस मैंने यहाँ पे एक पहले से ही साइड यहाँ पे खोल के रखा है, ठीक है, ये साइड खोल लेना nvidia.com वाला, ठीक है। रिलीज डेट देख लो गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाला ही कर लेना, लास्ट वाला करोगे तो अच्छा है, अच्छी बात है, एकदम हो रहा है डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे देखो डाउनलोड हो रहा है, तो ये होने देते हैं अभी, ओके, एंड इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो भाई लोग आप यहाँ पे देख सकते हो एनवीडिया इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, क्लोज कर दिया, ओल्ड ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी मैं ब्लू स्टेक को ओपन करूँगा नॉर्मली, तो यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप देख सकते हो, क्योंकि ओल्ड ड्राइवर मैंने इंस्टॉल कर लिया है तो अब यहाँ पे टिक का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। इसको डिसेबल रहना देना, देख लो ये चीज़ ध्यान से देख लो, ये दो यहीं पे रहेगा, ये टिक रहेगा, इसको डिसेबल रहेगा या फिर डिसेबल अगर आपका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है या फिर ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छा है तो ये सॉफ्टवेयर डिकोडिंग कर सकते हो, ये प्रोसेसर खींचेगा, हार्डवेयर डिकोडिंग कर सकते हो, ये आपका ग्राफिक कार्ड खींचेगा। बाकी मैं डिसेबल रखता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम पीसी प्लेयर डिसेबल रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे पता नहीं थोड़ा सा ग्लिच हो गया गाइस, यहाँ पे FPS का क्या हो रहा है, FPS का आ नहीं रहा है, या फिर रिस्टार्ट आएगा शायद, अब आएगा, अब आ जाएगा, आई थिंक आ गया। तो ये रिस्टार्ट किया, ये डिसेबल, अब FPS को यहाँ पे कर देना 240, ये कर देना, ठीक है, सेव हो गया, ठीक है। नोटिफिकेशन सारे ऑफ कर लेना, ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो अब देखो गाइज यहाँ पे ये सारे हो गया, बस इसको बचा हुआ है, तो इसको गाइज आसूस रोग टू कर देना, एयरटेल या कुछ भी कोई भी इंटरनेट यूज़ करते हो कर देना, ठीक है। अब गाइज मेन चीज़ गाइज बचा है यहाँ पे BS ट्विकर में, तो इसको फोर स्किल BS करना सबसे पहले, ठीक है, इसमें जाना, पैच कर देना, ओके गाइस ये हो गया। इसमें जाना, इसमें अब देखो गाइस जो रिकमेंडेशन में है आपका, ये रिकमेंडेशन है तो यही यूज़ करना, क्योंकि इस पर थोड़ा सा पिक्सल फटा हुआ आता है, तो मैं ये या तो ये यूज़ कर लेता हूँ या ये यूज़ कर लेता, ठीक है, ये यूज़ कर ले रहा हूँ मैं, 440 DPI इज़ बेस्ट DPI, तो ये यूज़ कर लेना, ठीक है। दोनों को अप्लाई कर देना, यहाँ पर स्टार्ट BS कर देना, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद गाइज आपको यहाँ पे गाइज देखने को मिलेगा, यहाँ पे चेंज हो गया है ये, ठीक है, DPI चेंज हो चुका है और बाकी सब ठीक है, एकदम नॉर्मल, ठीक है। बस आपको गेम को ओपन करना है, अब देखो गाइज यहाँ पे जाना है, यहाँ पे, ठीक है, की मैपिंग कर लेना है, स्मार्ट में नहीं करना है आपको, ठीक है, स्टैंडर्ड में की मैपिंग करना है। स्मार्ट में करोगे तो आपका जॉयस्टिक प्रॉब्लम होगा, स्टैंडर्ड में करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे आपका अगर कोई पहले से ही है तो वो आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, तो मैं डाल दिया यहाँ पे, मेरा पहले से ही था। तो अब इसको राइट क्लिक करना, ब्लू स्टेक को, प्रॉपर्टीज़ में जाना, कंपेटिबिलिटी में जाना, यहाँ पे जाना, ये कुछ मत छेड़ना, ठीक है, बस इन तीनों को टिक कर देना, ठीक है, अप्लाई कर देना, ओके डन। अब गाइस देखो इसके अंदर भी सेटिंग्स होता है माउस के, तो माउस के सेटिंग्स कुछ मत छेड़ना, नॉर्मल जैसे डिफ़ॉल्ट है वैसा रहने देना, ठीक है। इसके भी सेटिंग्स होता है, ये भी नॉर्मल एकदम डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये 7 पे रहता है, ये 6 पे रहता है, बस इसको अनटिक कर देना, ठीक है, ये इनेंस पॉइंटर प्रोसीजन है, इसको टिक रहेगा तो सेंसी अप डाउन होता रहेगा, इसको अनटिक मार देना, ठीक है, पहले ही। अब आप कोई से भी माउस यूज़ करते हो, माउस DPI सेट कर लेना, तो काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं
वो हाई सेंसी पे खेलता है, लेकिन मैं लो सेंसी पे खेलता हूँ। बिकॉज इसका रीज़न ये है क्योंकि इस पर काफ़ी रिकॉइल कम हो जाता है, रिकॉइल बहुत कम मारते आपके गन्स, ठीक है, और लॉन्ग लॉन्ग तक मार सकते हो आप। बाकी आप अनलिमिटेड खेलोगे या फिर मूवमेंट के साथ अगर खेलोगे तो वो नहीं होगा इस चीज़ में, लेकिन आपका एक्यूरेसी काफ़ी मस्त आता है इसमें। हो गया, खुल गया गेम। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ खेल के एक बार। साला वापस ट्रेनिंग डाउनलोड करना भूल गया था भाई। हो गया, ट्रेनिंग डाउनलोड कर लिया, हो गया, खुल गया। हाँ, नॉर्मली खेल के बता देता हूँ आपको। मुझे थोड़ा सा एक नहीं, ठीक है, ड्रैग करने का जगह स्पेस नहीं बच रहा है, मेरे टेबल बहुत छोटा है। रुक जाइए एक सेकेंड, आप देख सकते हो यहाँ पे रिकॉल का देखो आप, ठीक है, रिकॉल देखो। अरे पैर पे आ रहा है, सेटिंग वोटिंग सब रिवील कर देंगे अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करोगे तो, ठीक है।